हे गाइस, मेरे चैनल में आप फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोर्स लिस्ट के ऊपर। गाइस, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर यहाँ क्या हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यहाँ से क्या हम लोग बीटेक कर सकते हैं, हम यहाँ से क्या एमबीए कर सकते हैं। तो मुझे लगा यार कि आप लोगों को या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ना अभी भी डाउट है कि हम लोग यहाँ से ये कोर्सेज कर सकते हैं नहीं, मतलब उन्हें कोर्स से कौन कौन से कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो मुझे लगा इस पे जो है ना मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को कम से कम ये तो क्लियर हो कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कोर्स लिस्ट के ऊपर। कंटेंट की अगर बात करें तो हम लोग कोर्स लिस्ट देखने वाले हैं इस वीडियो में, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगरी वाइज सीट रिजर्वेशन, ऑनर्स कोर्स, ठीक है, कौन कौन से हैं बात करेंगे। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे गाइस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के ऊपर। सो गाइस, हम लोग फर्स्ट में बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होंगे। गाइस, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं और प्रोग्राम कोड क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं पहले। गाइस, यहाँ टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो है ना 13 है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ प्रोग्राम कोड 101 है इसका। नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं गाइस, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट में आप लोग देखिए इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जिसके अंदर आपको 75 सीट्स देखने को मिलते हैं, ये सारे कैटेगरी को मिला के हैं। ठीक है, सेकंड में आप इकोनॉमिक्स को देख पा रहे होंगे, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ट्राइबल आर्ट स्टडीज, कल्चर, फिलोसफी एंड म्यूजियोलॉजी, सारे के अंदर आप लोगों को जो है 75 सीट्स देखने को मिलते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ ये जो बैचलर ऑफ आर्ट का कोर्स है ये ऑनर्स कोर्स नहीं है, ये सारे के सारे सिंपल कोर्स हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गाइस कि अगर आप यहाँ से बीए करना चाहते हो तो आपको जो है क्या एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर दो सब्जेक्ट पढ़ना है या तीन सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आगे हम लोग बात करते हैं गाइस। यहाँ पास देखिए गाइस, मैं आपको बता दूँ, जैसा कि यहाँ एक सिंपल बीए है, ठीक है, अगर आप करोगे तो आपको ऑनर्स बीए नहीं है। अगर आप ऑनर्स बीए करते तो आप बीए इन हिस्ट्री करते, ठीक है, बीए इन पॉलिटिकल साइंस करते, बीए इन ज्योग्राफी करते, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ एक प्रोग्राम है, ये एक सिंपल बीए है, तो यूनिवर्सिटी ने इसे जो है ना तीन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अगर आप यहाँ से बीए करोगे तो आपको जो है ना एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आप लोग जो है ना तीन सब्जेक्ट पढ़ोगे साथ में, जैसे आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन को ही चूज़ कर पाओगे या फिर सेकेंड को या थर्ड को, ठीक है। आपको मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन हैं आपको उनमें से ही चूज़ करके पढ़ाई करना होगा। आप अगर चाहते हो कि मैं केवल बीए इन हिस्ट्री पढ़ूँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑनर्स कोर्स नहीं है, ठीक है। तो सारे में आप लोग देख पा रहे होंगे 25 सीट्स अवेलेबल हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पास सेकंड में देख लीजिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन में स्टडी करना होगा, ना कि ऑनर्स की तरह एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भी हमारे पास 13 है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पास, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ये कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं आप लोगों को। जब भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो जब कंप्लीट होने वाला होगा तो आप लोगों को जो है ना एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें जो है ना आपको चूज़ करना होगा कि आप लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ना है। आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो है ना आपको जो है कॉम्बिनेशन अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और गाइस, यहाँ पास आप जैसे देख पा रहे हो सभी में 25 सीटें अवेलेबल हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट्स जो है ना अवेलेबल हैं और रिजर्व्ड किए गए हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं गाइस बीएससी प्रोग्राम के ऊपर, जैसे आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होंगे गाइस, इसमें भी सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ कि ये भी बीएससी भी अगर आप यहाँ से करते हो तो आपको सिंपल बीएससी देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब आप सिंपल बीएससी करोगे यहाँ से, ऑनर्स बीएससी का केवल एक ही कोर्स है जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी गाइस आप लोगों को जो है तीन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ये चार कॉम्बिनेशन हैं गाइस, ठीक है।
आगे देखिए, ये चार कॉम्बिनेशंस हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ठीक है। इनमें भी आप लोगों को जो है ना 25-25 सीट्स ही देखने को मिलते हैं। 25 सीट्स का जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। आगे देखिए गाइस, ये बीएससी का एक और कोर्स है गाइस, यहाँ बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप लोग इसको कर सकते हो, बीएससी इन योगा, ठीक है। इसमें इसके अंदर आपको 28 सीट्स देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग ईवीएस क्वाटा, ठीक है। आप लोग यहाँ से बीकॉम कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को जो है 38 सीट्स देखने को मिलते हैं। 38 सीट्स जितने भी कोर्सेस मैंने अभी तक बताए हैं जिसमें 38 सीट्स हैं, ठीक है गाइस, उनका कैटेगरी वाइज जो सीट रिजर्वेशन है उसको मैं आगे बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को आगे देखते रहिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए गाइस, जैसा कि मैं आप लोग बताया था कि कुछ ही ऑनर्स कोर्सेस हैं यहाँ, ठीक है। तो ऑनर्स कोर्स के अंदर केवल दो ही कोर्स हैं यहाँ, एक बीएससी का कोर्स है जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो, बीएससी ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। इसमें भी नंबर ऑफ सीट आपको 38 देखने को मिलते हैं। केवल एक ही कोर्स है बीएससी के अंदर जो कि ऑनर्स है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें भी 38 सीट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं गाइस, ठीक है। ये दो ही कोर्स आप लोगों को यहाँ ऑनर्स मिलेंगे, इसके अलावा जितने भी कोर्सेस हैं सारे सिंपल हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोर्सेस में 38 सीट्स हैं उनका कैटेगरी वाइज जो है सीट रिजर्वेशन क्या होने वाला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना, जितने भी कोर्सों में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 38 हैं, उनमें यूआर के लिए 15 सीट्स अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए केवल 3 सीट्स ही अवेलेबल हैं। नाउ गाइस, अब हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर आप लोगों को 38 सीट्स देखने को मिलता है। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया कि जितने भी कोर्सेज में 38 सीट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनका कैटेगरी वाइज सीट रिजर्वेशन जो है ना आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ पास देख लीजिएगा, सेकंड में बीबीए इन टूरिज्म एंड ट्रैवल, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा लैटरल एंट्री क्या है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं अभी। गाइस अगर आपने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा कर रखा है, मतलब डी फार्मा कर रखा है, अगर आपने डी फार्मा कंप्लीट कर रखा है एक साल का, तो आपको जो है ना अगर आप इस यूनिवर्सिटी में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपका जो बी फार्मा है वो 3 साल का हो जाता है, जबकि जो एक्चुअल में बी फार्मा कोर्स है वो 4 साल का है। तो बस बेनिफिट यही है, लेकिन बहुत सीट जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होंगे 6 ही सीट है केवल, ठीक है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी आप लोग कर सकते हो यहाँ से, और जिनमें सीट जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना 61 के करीब है, ठीक है, घटा दिया गया है, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे 65 के करीब, 66 के करीब, ठीक है, लेकिन ये 61 है, ठीक है। यहाँ पास आगे बात करते हैं कुछ वैकेशनल कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। वी वॉक बैचलर इन वैकेशनल एजुकेशन, यहाँ पास दो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं गाइस आप लोगों को, वी वॉक इन थिएटर स्टेज क्राफ्ट फिल्म प्रोडक्शन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, ठीक है, और यहाँ पास वी वर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक और कोर्स ऐड किया गया है गाइस, वी वर्क इन एग्रीकल्चर, ठीक है, 3 कोर्सेज हैं। लेकिन गाइस वैकेशनल कोर्सेज को आप लोगों को करने का एक बेनिफिट बहुत अच्छा है, ऐसा है ये वैकेशनल कोर्सेज से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर आप एक साल के लिए इस कोर्स को करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर एक साल बीए करोगे और छोड़ दोगे तो आपको उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलने वाला, ठीक है, आपके पास जो रिजल्ट रहेगा वही बस रहेगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इसकी फुल वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई सा भी कोर्स वोकेशनल कोर्स अगर 2 साल के लिए करते हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर आप 3 साल के लिए करते हो तो आपको तो फिर डिग्री दिया ही जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट है, इनमें 63 सीट्स देखने को मिलते हैं गाइस, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इनका सीट रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज, ठीक है। आप लोग यहाँ से बीएड कर सकते हो गाइस, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना आई थिंक 50 हैं, ठीक है। सीट का रिजर्वेशन हम लोग आगे देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस, नाउ गाइस अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के ऊपर, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं,
अगर आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो। गैस यहाँ टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो है ना आप लोगों को 30 देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं इस पर, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ, ठीक है, और कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं। आप लोग को मैं सीट पहले से ही बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ सीट्स जो है ना इंक्लूडिंग EPS क्वार्टा आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जितने भी कोर्सेज हैं उनमें 25 सीट्स, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं गाइस आप लोग यहाँ कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। एम ए इन इंग्लिश, एम ए इन हिंदी, ठीक है, एम ए इन लिंग्विस्टिक एंड कॉन्ट्रास्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज, एम ए एम एस सी इन साइकोलॉजी, एम ए इन इकोनॉमिक्स, एम ए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एम ए इन हिस्ट्री, एम ए एम एस सी इन ज्योग्राफी, एम ए इन पॉलिटिकल साइंस, एम ए इन सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, एम ए इन ट्राइबल आर्ट स्टडीज कल्चर, एम ए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप लोग यहाँ से कर सकते हो। 14 नंबर पे आप लोग देख पा रहे होंगे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आप लोग MBA, काफ़ी लोग पूछते हैं कि MBA क्या हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जी हाँ, MBA भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा होता है और आपको पता है यार यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम फीस लगती है किसी भी कोर्स के लिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। प्लेसमेंट भी होता है गाइस लास्ट में, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है, आप लोग यहाँ से अगर करते हो तो, ठीक है। और MBA के अंदर जो है ना आप लोग यहाँ पास नीचे देख पा रहे होंगे 38 सीट्स हैं, और सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना जितने भी कोर्सेज में 38 सीट्स हैं उनका मैंने बता रखा है कैटेगरी वाइज सीट रिजर्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस कौन कौन से और कोर्सेज हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को 38 सीट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे MCOM कर सकते हो आप, MSc के अंदर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स भी आप लोग कर सकते हो यहाँ से, जियोलॉजी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, स्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन आप कर सकते हो, एमए इन फिलोसफी कर सकते हो, म्यूजियोलॉजी कर सकते हो आप लोग यहाँ से, एम फार्मा कर सकते हो गाइस, ठीक है। और आप बाकी मैं जो सीट का रिजर्वेशन है आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। एक और कोर्स है गाइस यहाँ पास देख लीजिए, MCA कोर्स, ठीक है, इनमें इसमें भी जो है आप लोगों को जो है 25 सीट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप अगर BCA किए हो तो आप MCA भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस सीट रिजर्वेशन का, कैटेगरी वाइज जो सीट रिजर्वेशन है, जितने भी कोर्सेज मैंने अभी आप लोगों को बताया जिसके अंदर 25 सीट्स थे उनमें सीट का रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार से है। UR के लिए 10 सीट, EWS के लिए 2, OBC के लिए 7, SC के लिए 4 और ST के लिए केवल 2 ही सीट अवेलेबल हैं, ठीक है। गैस आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के नाम से लगता होगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, सो ट्राइबल लोगों को कुछ ज़्यादा ही रिजर्वेशन देती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइबल को तो और ही बहुत ही कम रिजर्वेशन मिल रही है, केवल 2 ही सीट हैं, और सारे कोर्सों में जो आप लोगों ने देखा होगा कि सभी कोर्सों में जो है ना ST कैटेगरी और SC कैटेगरी वालों को बहुत ही लिमिटेड जो सीट्स हैं वो अलॉट किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी सभी जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं उन्हीं की तरह है, ठीक है, इसके नाम में बस ट्राइबल लगा है, बाकी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे BA और BSc का जो सीट रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये BA का है, ठीक है, ये BA का है। BA के अंदर आप लोगों को जो है टोटल 325 सीटें देखने को मिलती है, जिसके अंदर UR के लिए 132 सीट्स अवेलेबल हैं, EWS के लिए 32, OBC के लिए 88, SC के लिए 49, ST के लिए 24 सीट्स हैं, ठीक है। ये BSc का है, ठीक है, BSc का है ये। इसके अंतर्गत आप लोगों को 125 सीट्स देखने को मिलती हैं, UR के लिए जो है 51 सीट्स हैं, EWS के लिए 12 और OBC के लिए 34 एंड SC के लिए 19 एंड ST के लिए केवल 9 सीट ही अवेलेबल है, ठीक है। तो सीट रिजर्वेशन भी आपको पता चल गई, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको BA के अंदर एडमिशन लेना है तो आपका अगर बहुत ही कम परसेंटेज है ना फिर भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस BEd का जो सीट रिजर्वेशन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। BEd में आप लोगों को पता है टोटल नंबर ऑफ सीट जो है केवल
50 है, ठीक है, ये 55 था, लेकिन इसको 5 सीट जो है ना इसको डिडक्ट कर लिया गया है लास्ट ईयर, ठीक है। तो यूआर के लिए 23 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 3 ही सीट्स अवेलेबल है केवल। बी फार्मा के लिए देख लीजिए गाइस, यहाँ पर सीट रिजर्वेशन टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना 61 है, ठीक है। इसमें भी 5 सीट जो है डिडक्ट किए गए हैं, इंक्लूडिंग ईवीएस क्वाटा गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे। यूआर के अंदर 28 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर 6, ओबीसी के अंदर 15, एसटी के अंदर 8 और एसटी के अंदर जो है आप लोगों को 4 सीट्स देखने को मिलते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जो है एक थम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अगर आपको इस चैनल की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको मिल जाए, ठीक है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।